are reels, how do you use them, how to shoot reels, how to add voiceover, how to add text, how to crop them, and so many other things. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I am Niharika and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel. So I uploaded this video recently on my Instagram wherein I was showing ki hum transition kaise shoot kar sakte hain reels pe, like crop kaise kar sakte hain aur transition video kaise shoot kar sakte hain. But of course wahan pe ek limit hota hai batane ka, matlab ek time limit hai to hum acche se explain nahi kar sakte. So I got a lot of questions and that is when I realized ki mujhe shayad ek acha sa tutorial bana dena chahiye, like easy way of using reels. So here I am making the reels guide, as whatever you can say. So yeah, आज की वीडियो में हम बहुत ही बेसिक टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, बट अगर आपको कोई और ट्यूटोरियल चाहिए या कोई और गाइड चाहिए जो आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पर अच्छे से एक्सप्लेन करके अपलोड करूँ, देन प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. एंड या विदाउट फर्दर अडो, लेट्स जस्ट गेट इन टू द वीडियो. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, रील्स होता क्या है? रील्स इज इंस्टाग्राम का एक फीचर जो ऑलमोस्ट टिकटॉक की तरह है. मतलब रील्स पे हम 15 सेकेंड, और सबसे पहले जब रील्स आई थी तो 15 सेकेंड्स की वीडियो डाल सकते थे, फिर उसके बाद वो 30 सेकेंड्स हुआ, बट अब वो टाइम लिमिट बढ़कर 60 सेकेंड्स हो गया है. ऑल दो 60 सेकेंड्स का ऑप्शन अभी सब किसी के पास नहीं आया, बट फिर भी 60 सेकेंड्स का अभी सबके पास आ जाएगा, मेरे पास भी नहीं आया. But it's okay. अब आपको रील्स कहाँ पर देखने को मिलेंगी? So हम अपने फोन में फोन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं एंड आपको बताते जाते हैं सारी चीजें. So जब आप अपना इंस्टाग्राम खोलोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पर, ओ मेरा भाई दिख रहा है, बट उसके बाद आपको ऐसे होम बटन दिखेगा सबसे नीचे, उसके बाद ऐसे सर्च का बटन है, फिर आता है रील्स का बटन. तो जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपको सबसे पहले रील्स दिखेंगे, आप ऐसे नीचे स्वाइप स्वाइप करते जाओगे तो आपको अलग अलग लोगों की रील्स दिखती जाएंगी. अब अगर आपको रील्स बनानी है तो कहाँ कहाँ ऑप्शंस है, सबसे पहले तो ये जो आप खोलोगे यहाँ पे देखो, राइट हैंड साइड टॉप में एक कैमरा बना हुआ है, आप वहां पे जाओगे तो आप रील्स बना सकते हो. अदरवाइज आप अपनी स्टोरीज में जाओ, आप जब ऐसे लेफ्ट स्वाइप करते हो तो आपका स्टोरीज बनाने का ऑप्शन आ जाता है, वहीं पे नीचे देखो ऑप्शन से. हाय गाइस, सो यहाँ पे नीचे पोस्ट का ऑप्शन है, फिर उसके बाद स्टोरी का ऑप्शन है, और उसके बाद साइड में है रील्स का ऑप्शन. हम अगर रील्स में जाएंगे तो हम रील्स बना सकते हैं. अगर आपको यहाँ से भी नहीं बनाना तो जो नीचे जब मैं दिखा रही थी आपको, उसमें कॉर्नर में अपनी प्रोफाइल में जाएंगे तो ऊपर आपको ऐसे प्लस का साइन दिख रहा है, आप उस प्लस के साइन पर जाओगे तो सारी चीज़ों का ऑप्शन आ जाएगा, पोस्ट का, स्टोरी हाईलाइट का, आईजीटीवी का, रील का, गाइड का. तो हम रील में जाएंगे तो हम रील बना सकते हैं. अब हम रील में आ गए, उसके बाद रील में ऑप्शंस क्या क्या होते हैं. अब देखो सबसे पहले क्या ऑप्शन है, सबसे पहले आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में सारे पैनल्स दिख रहे होंगे. यहाँ पे सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर जो पैनल है वो है म्यूजिक ऐड करने का, वहां पे जाकर आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो. जैसे मैं गई ऑडियो में, जो भी आपको म्यूजिक ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यही ऐड कर लिया. उसके बाद आप खुद चूज कर सकते हो कि आपको क्या ड्यूरेशन चाहिए, कौन से लिरिक्स चाहिए, ऐसे ऐसे स्वाइप करके आपको ऐसे ऐसे स्वाइप करना है. एंड आप कोई भी कहीं से भी अपना सॉन्ग चूज कर सकते हो और आपको डन करना है, ये हो गया. उसके नीचे है ड्यूरेशन का ऑप्शन, आप उसी पे क्लिक करोगे 15 सेकेंड हो गया, उसी पे क्लिक करोगे 30 सेकेंड हो गया. फिर उसके नीचे जो थर्ड ऑप्शन है वो है ड्यूरेशन का, ड्यूरेशन इन द सेंस कि आपको स्लोमो चाहिए या फास्ट चाहिए या ऐसा चाहिए, वो सारे हमारे पास है, 0.3x, 0.5x, 1x, 2x, 3x, 4x सारे हैं. आपको फास्ट शूट करना है तो उसके लिए 5x करो या 3x करो या 1x, 2x करो. उसके नीचे हमारे पास ऑप्शन है फिल्टर्स का, आपके पास जो भी फिल्टर्स है, लुक्स बेटर राइट, जो भी फिल्टर्स है, जो भी आपको यूज करना है, अगर फिल्टर लगाना है तो आप फिल्टर लगा सकते हो. अब अगर आपको फिल्टर नहीं लगाना और आपको सिर्फ एक टचअप देना है, मतलब अपनी स्किन को थोड़ा सा स्मूथ बनाना है, तो इफेक्ट्स के ही नीचे हमारे पास ऑप्शन है टचअप का, अब आप उसी पे क्लिक करोगे तो आप अपना टचअप
क्या फ्रिक्वेंसी चाहिए आपको, उस हिसाब से आप ऊपर नीचे करके अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों के नीचे है हमारे पास टाइमर। ये टाइमर है कि आपको कितना रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे अपना फर्स्ट पार्ट 6 सेकंड का या 7 सेकंड का रिकॉर्ड करना है, तो मैं सेट टाइमर कर दूंगी और फिर इसके बाद टाइमर लगाते ही आपका रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट नहीं हो जाएगा गाइज। आपको टैप करना पड़ेगा, फिर आपके पास 3 सेकंड का टाइमर आएगा और फिर उसके बाद आप शूट कर सकते। ठीक है, अब आपने आपको ये साइड के सारे फीचर्स के बारे में पता लग गया, आपने अपना फर्स्ट चंक भी शूट कर लिया। अब आपको ऐसे साइड में एरो दिख रहा है, आप उस पर जाओगे ना तो आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एक ऐसे डस्टबिन का और एक साइड में ऐसे सीजर्स का। अगर आपको ये क्लिप पसंद नहीं आई है तो आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हो, और अगर बाय चांस आपको अपनी क्लिप को थोड़ा सा क्रॉप करना है, आपको थोड़ा सा ट्रिम करना है, तो आप आगे से या पीछे से जहाँ से भी चाहते हो वो क्लिप ट्रिम कर सकते हो और फिर डन कर सकते हो और फिर अपना आगे का पार्ट शूट करना स्टार्ट कर सकते हो। सो नाउ आई विल शो यू कि आप कौन कौन से टाइप्स की रील्स बना सकते हो इंस्टाग्राम पे। लाइक फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल जिसमें आपने सॉन्ग चूज कर लिया और आपको उसके बाद सिर्फ लिप सिंक करनी है, उस पर नॉर्मल वीडियो शूट करनी है, लाइक इंस्टाग्राम डांस चैलेंजेस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर दूसरा आता है कि मैंने एक नॉर्मल वीडियो अपलोड किया अपनी गैलरी में से, उसमें म्यूजिक ऐड किया और फिर वो अपलोड कर दी। फिर तीसरी आती है कि मैंने वीडियो अपलोड किया या फिर वीडियो शूट कर लिया या फिर कुछ भी, और फिर उसके बाद उसमें वॉइस ओवर ऐड किया या फिर उसमें कोई इफेक्ट ऐड किया या फिर उसमें कोई टेक्स्ट ऐड किया या म्यूजिक ऐड किया, वो सब। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं कि वो हम कैसे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, मुझे कोई म्यूजिक चाहिए, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये सॉन्ग चूज कर लिया। ठीक है, अब मैंने ये सॉन्ग चूज कर लिया, मुझे सिर्फ लिप सिंक करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने नॉर्मली ठीक है मैंने ये शूट कर लिया और मुझे इसमें कुछ एडिट नहीं करना, मेरा लिप सिंक एकदम ठीक हो गया, तो मैं प्रीव्यू करूंगी। ठीक है, मैंने प्रीव्यू किया। अब प्रीव्यू करने के बाद आपको ऐसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है एरो बना हुआ है ऐसे नीचे की तरफ, उस एरो को अगर आप करोगे चूज तो आपकी वीडियो सेव हो जाएगी, लेकिन वो जो वीडियो है वो बिना ऑडियो के सेव होगी बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट इश्यूज, सो आप वो कर सकते हो। फिर उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करोगे तो आप कोई भी, आपको जो भी ऐड करना है, टाइम ऐड करना है, टेम्परेचर ऐड करना है, जो भी ऐड करना है आप उसमें से कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको साइड थर्ड जो ऑप्शन है वो ऑडियो का है। फॉर एग्जाम्पल, जो म्यूजिक का ऑडियो है अगर मुझे उसको कम करना है, ठीक है, और जो मेरा ऑडियो है उसको मुझे बढ़ाना है, तो हम वो मिक्स कर सकते हैं जैसे भी करना है, आप समझ रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक वीडियो अपलोड करी जिसके अंदर मेरी बोलने वाली आवाज़ है, बट मुझे उसमें पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, अपनी ऑडियो तो फुल कर दूंगी और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको थोड़ा सा कम कर दूंगी, तो उस केस में आप अपना जो ऑडियो है रील का वो एडजस्ट कर सकते हो। ये नया फीचर आया है। और फिर उसके बाजू में आपको ऐसे एक माइक दिख रहा है, वहां से आप वॉइस ओवर डाल सकते हो अपनी वीडियो में अगर आपको डालना है तो। सो दीज आर दी फीचर्स। और फिर उसके बाद साइड में जो ऑप्शन है उससे आप कुछ भी अपनी वीडियो पे ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपको ड्रॉ करना है आप वो कर सकते हो। नीचे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, ऊपर आपको टाइप्स ऑफ ब्रशेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, और फिर उसके बाद आप अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है तो आप नॉर्मली अपनी वीडियो पे अगर टैप करोगे तो भी आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने निहारिका लिखा, एंड उसमें भी हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट ऑप्शंस हैं। आप इधर इधर जाओगे तो आपको बहुत सारे फॉन्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे, जो ऊपर 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइन का, कि आपको सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है। जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका फॉन्ट है और कलर है, आप उस पर चूज करोगे तो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रेड कर दिया, फिर उस पर आप फिर से टैप करोगे तो आपको फॉन्ट्स के ऑप्शन फिर से आ जाएंगे। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है उसको आप टैप करोगे तो वो ऐसे चेंज होता है, दैट आपको पीछे प्लेट मिल जाएगी, प्लेट नहीं मिलेगी, सो दैट डिपेंड्स आपको क्या चाहिए। और जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज फॉर द मोशन, आपका मोशन कैसा होगा। ऑलराइट, अब हमें सारी चीजें समझ आ गई है, जो नेक्स्ट फीचर्स होते हैं वो भी, और हमें लिप सिंक भी समझ आ गया। अब हमें सिर्फ ये जानना है कि हम वीडियो को अपलोड कैसे कर सकते हैं अपनी गैलरी में से, अगर हमें शूट नहीं करना और अपनी गैलरी में से कोई रील अपलोड करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, ये रील्स का खुला हुआ है,
हमें लेफ्ट कॉर्नर में सबसे नीचे ये एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, हम वहां पे जाएंगे तो हम अपनी गैलरी में से कोई भी चीज अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये चूज की वीडियो, मैंने ऐड कर दी। अब आपको सबसे ऊपर ऐसे एक पिंक कलर की लाइन दिखेगी, वो है कि आपने कितना पोर्शन जो है वो यूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 30 सेकेंड्स लिया था, तो उसमें से आपने इतना पोर्शन यूज कर लिया है, उसके अलावा अब आप कोई भी चीजें ऐड कर सकते हो, तो वो देखो प्लस होता जाएगा। और वो जितने भी मार्क्स दिखेंगे उसका मतलब है कि आपने उतनी क्लिप्स ऐड कर दी। अब मैं इन क्लिप्स को क्रॉप भी कर सकती हूँ, ऐड भी कर सकती हूँ अकॉर्डिंग टू माय विश, ठीक है, ट्रिम भी कर सकती हूँ, जो भी मुझे चाहिए वो मैं कर सकती हूँ। अब इसमें कोई म्यूजिक नहीं है, मुझे म्यूजिक ऐड करना, तो मैं क्या करूँगी, ऑडियो में जाऊँगी, म्यूजिक चूज करूँगी, डन कर दूंगी, ठीक है, और फिर प्रिव्यू करूँगी। अब मुझे जो भी करना है, वॉइस ओवर डालना है या कोई मिक्स करना है या ऐड टेक्स्ट करना है, जो भी करना है मैं वो सब करूँगी। फिर मैं शेयर टू करूँगी, कवर आप अपना ऐड फ्रॉम कैमरा रोल भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे फ्रेम को मूव करके कोई भी अपना कवर बना सकते हो जो आपकी उसमें दिखेगा, प्रोफाइल में दिखेगा, ठीक है। अब आपने ये कर दिया, डन कर दिया हमने, यहाँ पे अपना कैप्शन ऐड करो, जो भी करना है, टैग पीपल करना है, जो भी करना है, फिर उसके बाद हम इसको एज अ ड्राफ्ट भी सेव कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल, दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट रील्स, एंड नाउ आई एम श्योर कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ आ गया है, तो अब आप अच्छी अच्छी रील्स बेसिक बना पाओगे। एंड इफ यू वॉन्ट मी टू यू नो explain some other things or some other features of reels, or how to do the transition videos, how to shoot the dance videos, how I shoot my videos like reels etc, then let me know and I would be happy to film those videos and upload them for you guys, because I love you guys. So yeah, I really hope you enjoyed today's video. You know the drill, like, share, comment and subscribe to my channel. Also hit that bell icon so that you get notified every time I upload a video. Lots of love guys. Bye.